द्वितीय निर्वाचन अभिनेता सुरेश गोपी सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष नामित हुए हैं, जो कि मलयालम सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता हैं। धनंजय जोशी DIPA के चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। DIPA की फुल फॉर्म है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर्स एसोसिएशन। आर माधवन FTII के अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। FTII की फॉर्म है भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे। जया वर्मा सिन्हा रेलवे बोर्ड की पहली महिला CEO अध्यक्ष, कार्यकाल 1 वर्ष का होगा। अनिल कुमार लाहोटी का स्थान लेंगी। अब टॉपिक है निधन। MS स्वामीनाथन का निधन। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत की हरित क्रांति के जनक के रूप में प्रख्यात MS स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को चेन्नई में हुआ। उस समय वे 98 वर्ष के थे। 1972 से 80 भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक के रूप में रहे। 1982 से 88 अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संगठन के महानिदेशक रहे। 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन विश्व विज्ञान पुरस्कार मिला। 1991 में टाइटलर पर्यावरण उपलब्धि पुरस्कार। 2000 में अंतर्राष्ट्रीय भूगोल संघ का पदक। 1967 में पद्मश्री। 1972 में पद्म भूषण। 1989 में पद्म विभूषण। 1987 में पहला वर्ल्ड फूड प्राइज भी मिला। इसरो वैज्ञानिक एन वलारमथी का निधन, जो कि चंद्रयान 3 मिशन की प्रमुख सदस्य रही। अरुण कुमार सिन्हा स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG के डायरेक्टर। अब टॉपिक है दिवस सप्ताह वर्ष। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर, हिंदी दिवस 14 सितंबर, राष्ट्रीय इंजीनियर्स दिवस 15 सितंबर, अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस 15 सितंबर। इसकी थीम है एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसकी थीम है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल फिक्सिंग द ओजोन लेयर एंड रिड्यूसिंग क्लाइमेट चेंज। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर। इसकी थीम है पर्यटन और हरित निवेश। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह 1 से 7 सितंबर 2023। साक्षरता सप्ताह 1 से 8 सितंबर 2023। शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा इसका उद्देश्य है सभी हितधारकों लाभार्थियों नागरिकों के बीच उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता पैदा करना। ULLAS अंडरस्टैंडिंग ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग फॉर ऑल इन सोसाइटी। स्वच्छता पखवाड़ा 16 सितंबर से 2 अक्टूबर 2023 तक। छठवां राष्ट्रीय पोषण माह सितंबर। प्रतिवर्ष सितंबर माह को पोषण माह के रूप में मनाया जाएगा। इसकी थीम है सुपोषित भारत, साक्षर भारत, सशक्त भारत। अब टॉपिक है पोर्टल ऐप। सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण GCES हेतु मोबाइल एप्लीकेशन और वेब पोर्टल। कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने GCES की फुल फॉर्म है जनरल क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे, प्रायोगिक तौर पर 12 राज्यों में कृषि सांख्यिकी आंकड़ों के लिए एकीकृत पोर्टल का शुभारंभ नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद।
कृषि सांख्यिकी आंकड़ों से संबंधित एकीकृत पोर्टल UPAG पोर्टल का शुभारंभ। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में डेटा प्रबंधन को सुव्यवस्थित और बेहतर बनाने में। स्किल इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया डिजिटल प्लेटफॉर्म स्किल इंडिया डिजिटल SID लॉन्च किया। इसका उद्देश्य भारत के कौशल शिक्षा रोजगार और उद्यमिता परिदृश्य। अब टॉपिक है चर्चित पुस्तकें। एलन मस्क, लेखक है वाल्टर इसाकसन, पुस्तक है हिंदूज इन हिंदू राष्ट्र, इसके लेखक हैं आनंद रंगनाथन, पुस्तक है नथिंग बट द ट्रूथ, इसके लेखक हैं ऋषभ शाह, पुस्तक है बलिदान। स्टोरीज ऑफ इंडियाज ग्रेटेस्ट पैरा स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव्स, जिसके लेखक हैं सौप्रिल पांडे। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति का गठन, वन नेशन वन इलेक्शन, इसकी अध्यक्षता पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने की। इसमें 8 सदस्यीय समिति बनी। विश्व कॉफी सम्मेलन 2023, यह 5वां कॉफी सम्मेलन है जो कि 25 से 28 सितंबर तक चला। यह बेंगलुरु में हुआ। इसका विषय है चक्रीय अर्थव्यवस्था और पुनर्योजी कृषि के माध्यम से स्थिरता। शुभंकर है कॉफी स्वामी। भारत ऊर्जा ट्रांसिशन समिट 2023 जो कि नई दिल्ली में हुआ 25-26 सितंबर, दूसरा संस्करण 2030 तक 500 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य। 14वां वैश्विक कौशल शिखर सम्मेलन आयोजनकर्ता फिक्की दिल्ली में हुआ 20-21 सितंबर को। इसका विषय है बिल्डिंग स्किल्स एम्पावरिंग यूथ क्रिएटिंग द फ्यूचर। अंतर्राष्ट्रीय अधिवक्ता सम्मेलन 2023 23-24 सितंबर 2023 नई दिल्ली में हुआ। विषय है न्याय वितरण प्रणाली में उभरती चुनौतियां। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 14-15 सितंबर 2023 राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर। दूसरा कलिंगा साहित्य उत्सव 2023 भारत नेपाल साहित्यिक संबंधों के संदर्भ में 1-3 सितंबर 2023 तक है। ऑपरेशन अभियान अभ्यास सिम्बेक्स 2023 भारत सिंगापुर की नौसेनाओं के मध्य। ये एक समुद्री अभ्यास है जो 21 से 28 सितंबर तक चला। भारत इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास, यह पहला समुद्री अभ्यास है जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में हुआ। आयुष्मान भाव अभियान, इस अभियान की शुरुआत राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने की। यह गांधीनगर गुजरात में हुआ, 13 सितंबर को हुआ। यह अभियान केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा चलाया गया। इस अभियान का उद्देश्य देश के हर गांव और कस्बे तक स्वास्थ्य सेवाओं की अंतिम छोर तक कवरेज प्रदान करना है। ऑपरेशन सजग, यह ऑपरेशन भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया गया। पश्चिमी तट पर तटीय सुरक्षा अभ्यास के लिए ऑपरेशन सजग चलाया गया। वरुण अभ्यास, यह भारत फ्रांस द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। ये 21वां इसका संस्करण है। इसका दूसरा चरण वरुण 2023 अरब सागर में हुआ और इसका पहला चरण जनवरी में पश्चिमी तट पर हुआ। एक्सरसाइज युद्ध अभ्यास
23। ये इस युद्ध अभ्यास का 19वां संस्करण है जो कि 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चला। अमेरिका में यह युद्ध अभ्यास हुआ। इसमें भारत की व अमेरिकी सेना ने भाग लिया। भारत की ओर से मराठा लाइट टुकड़ी ने इसमें भाग लिया। गुजरात में दुर्लभ धातु वेनेडियम की खोज। खंबात की खाड़ी में यह धातु खोजी गई। उधमपुर स्टेशन का नाम शहीद कैप्टन तुषार महाजन के नाम पर किया गया। भारत ड्रोन शक्ति 2023 गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में। मलयालम फिल्म 2018 ओस्कर के लिए भारत की आधिकारिक प्रविष्टि। इसका पूरा नाम 2018 एवरीवन इज ए हीरो है। तूफान डेनियल। अफ्रीकी देश लीबिया में यह तूफान आया। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों का कल्याण सुनिश्चित करने के लिए केंद्र व राज्य सरकारों को एडवाइजरी जारी की राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने। 2+2 वार्ता। यह वार्ता भारत व अमेरिका के बीच हुई। इस वार्ता में भारत की ओर से रक्षा मंत्री व विदेश मंत्री ने भाग लिया और अमेरिका की ओर से रक्षा सचिव व विदेश सचिव ने भाग लिया। यह वार्ता 7वीं बार 26 सितंबर को वॉशिंगटन में हुई। 13वां हिंद प्रशांत सेना प्रमुख सम्मेलन। इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ। पहली अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी जो कि 21 से 25 सितंबर 2023 तक हुई। ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका आयोजन हुआ। राष्ट्रपति ने इसका उद्घाटन किया। नुआखाई उत्सव 2023 ओडिशा में। सोलवी केमिस्ट्री ऑफ सीमेंट पर अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस ICCC। इसका आयोजन बैंकॉक थाईलैंड में 18 से 22 सितंबर तक हुआ। FSSAI ने किस अर्धपालतू गोजातीय पशु को खाद्य पशु के रूप में मान्यता दी? मिथुन। FSSAI की फुल फॉर्म है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। क्लेगनार मगलिर उरिमाई थित्तम योजना जो कि तमिलनाडु की है। इसमें 1.06 करोड़ महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपए। अफगान में तालिबानी सरकार बनने के बाद पहली बार अपना राजदूत नियुक्त किया है चीन को। धन्यवाद दोस्तों।